हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम योर इंग्लिश बुक, दैट इज टिंटिन द कॉमिक हीरो। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। टिंटिन, पता नहीं अभी ये टीवी पर आता है कि नहीं ये कार्टून, लेकिन जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई यूज टू वॉच दिस कार्टून। मैं इसे कार्टून बहुत ही देखती थी। सो टिंटिन इज द टाइटलर प्रोटोगनिस्ट ऑफ एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन। ही इज अ रिपोर्टर एंड एडवेंचरर हु ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड विथ हिज डॉग स्नोई। हिज कैरेक्टर वॉज क्रिएटेड इन 1929। ही अपियर्स एज अ यंग मैन अराउंड 14 टू 19 ईयर्स ओल्ड विथ अ राउंड फेस। तो टिंटिन जो है, टिंटिन कैरेक्टर जो है वो 1929 में क्रिएट किया गया था। ये एक रिपोर्टर था और एक एडवेंचरर था, जो कि पूरा मतलब वो ट्रैवल करता था अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमता था अपने डॉग के साथ, विच इज़ डॉग, उस नेम इज स्नोई, स्नोई उसके डॉग का नाम था। और इसका जो बॉडी था, फेस था इसका राउंड शेप का था, और ये इसका एज था ये 14 टू 19 ईयर्स के बीच में इसको दिखाया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस बुक को पढ़ते हैं। अ कॉमिक इज अ मैगजीन दैट टेल्स स्टोरीज थ्रू पिक्चर्स। अ कॉमिक स्ट्रिप इज सीरीज ऑफ ड्राइंग्स दैट टेल अ स्टोरी, स्पेशली इन अ न्यूज़पेपर और वीकली। चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स इंजॉय रीडिंग कॉमिक्स लाइक द अमर चित्र कथा, टिंटिन स्टोरीज, सुपरमैन एंड अदर्स। कॉमिक आप किसे कहते हैं? कॉमिक एक मैगजीन होता है जो कि हमें स्टोरी बताता है, किसके हेल्प से? पिक्चर्स के हेल्प से। उसमें बहुत सारे ड्राइंग रहते हैं, जो कि स्पेशली कहाँ पे आता है, न्यूज़पेपर में आता है या फिर वीकली कोई मैगजीन आता है तो उसमें आता है। चिल्ड्रेन और एडल्ट्स दोनों को कॉमिक्स बहुत पसंद है। कॉमिक में कुछ का नाम दिया गया है, अमर चित्र कथा, टिंटिन स्टोरी, सुपरमैन एंड अदर्स। मुझे तो कॉमिक पढ़ने का बहुत ही शौक था, तो उस समय क्या होता था कि कॉमिक हम लोग खरीद नहीं पाते थे, मतलब मिलता उतना नहीं था, मतलब दुकान में जाकर के हम लोग खरीदते भी नहीं थे। मेनली क्या होता था, दुकान में जाते थे, वहाँ पे 5 रुपीज़ पर डे के हिसाब से वो मतलब मिलता था कि 5 रुपये दीजिए, इसको लेके जाइए और अगला दिन पढ़ करके इसको रिटर्न कर दीजिए। तो वो हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे खरीदने से ज़्यादा। The adventures of Tintin continued to interest and fascinate his fans many decades after the irresponsible comic hero first appeared. एडवेंचर ऑफ टिंटिन जो है वो अभी तक जो है वो लोग को काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है, उसके फैंस अभी भी हैं। और ये फर्स्ट अपीयर कब हुआ? तो January 10, 1999 में। द क्रिएशन ऑफ द बेल्जियन ऑथर हर्ज, और ये बेल्जियन ऑथर ने बनाया था हर्ज, हुज रियल नेम वॉज जॉर्ज प्रॉस्पर रेमी। उसका जो ओरिजिनल नेम था वो जॉर्ज प्रॉस्पर रेमी था। टिंटिन इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड बेस्ट लव्ड फिक्शनल कैरेक्टर्स एंड परहैप्स बेल्जियम्स मोस्ट फेमस आइकन। टिंटिन जो था वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा उसको लोगों ने पसंद किया और वो बेल्जियम का फेमस आइकन था। ऑल्दो एसेंशियली अ कॉमिक स्ट्रिप कैरेक्टर, हर्ज न्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट रिसर्च एंड टू केयर टू प्लेस टिंटिन इन अ रियल एंड बिलीवेबल वर्ल्ड। तो हर्ज ने इसको टिंटिन को क्रिएट करने के पहले वो सारा जो है कैलकुलेशन किया उन्होंने कि क्या क्या ऐसा कौन सा कैरेक्टर बनाए जो कि लोगों को पसंद आए, वो कैसा होना चाहिए, रियल भी लगे, वो बिलीवेबल भी लगे। क्लिपिंग्स फ्रॉम मैगजीन्स, विजिट टू म्यूजियम, वो कहाँ कहाँ से टिंटिन को बनाने के पहले रिसर्च किए, तो मैगजीन से क्लिपिंग लिए, म्यूजियम गए, कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स, कम एक्सपर्ट से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। ऑल एट कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेसफुल शेपिंग ऑफ हिस लवेबल कैरेक्टर। ये सब मिल करके टिंटिन बना जो कि था लवेबल कैरेक्टर। एन एडोलेसेंट, एडोलेसेंट मीन्स अ यंग पर्सन हु इज डेवलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू एन एडल्ट विथ नो फैमिली। हिज इंडियरिंग कैरेक्टर इज अ जर्नलिस्ट एंड एडवेंचरर एंड अ डिटेक्टिव ऑल रोल्ड इनटू वन। टिंटिन जो था उसके मतलब उन सब कोई फैमिली नहीं था, तो वो लवेबल था, जर्नलिस्ट था, एडवेंचरर था, डिटेक्टिव था, सब चीज़ वो एक में था, ऑल इन वन। द राउंड फेस डॉटी आइड, उसका मैंने बताया आपको सफ़ेद जो था वो राउंड था, उसकी आंखें जो थी वो मिसचीवियस थी, मतलब बहुत ज़्यादा शरारत भरी हुई थी। रिपोर्टर हैज़ ओनली वन डिस्टिंक्ट फीचर, द सेलिब्रेट क्वेफ। देखिए हेयर स्टाइल, उसका हेयर स्टाइल भी यूनिक था और उसके साथ में उसका स्नोई डॉग है। द ब्रसल्स न्यूज़पेपर ले विंस्टियम सरली इंट्रोड्यूस टिंटिन इज इन अ कॉमिक सप्लीमेंट एंड ही हैजेंट लुक्ड बैक सिंस। तो बहुत सारा जो मैगजीन था उसमें, ब्रसल्स न्यूज़पेपर जो था उसमें भी जो है वो टिंटिन के बारे में बहुत सारा जो है वो उसको बहुत प्रेस किया गया उस कैरेक्टर को। द इंट्रिपेड एजलेस रिपोर्टर हैज़ हैड एन अनकैनी नैक ऑफ सरफेसिंग। जो टिंटिन था उसको एजलेस बोला गया, उसको फियरलेस बोला गया, और क्या बोला गया, तो उसको मिस्टीरियस बोला गया,
of surfacing at just the right moment in international crisis, along with a supporting cast led by his faithful dog Snowy. उसके साथ हमेशा उसका faithful dog रहता था, उसका नाम Snowy था. Captain Haddock and the eccentric professor calculus Tintin battles good for nothings of all strip spies, drug runners, mad scientists and Latin America Gudels. The boy reporter's first adventure was Tintin in the land of the Soviets, and he exposed the Soviet propaganda and put the communists in their place. Tintin जो है उसने बहुत सारा जो problem था उसको solve किया, जैसे कि क्या उन्होंने exposed किया Soviet propaganda को. Propaganda means कि ऐसा कुछ false allegation होता है या कुछ भी rumor होता है जो कि फैलाता कौन है, political party. किस लिए? To gain support of the people, लोगों का जो ये sympathy है उसको गेन करने के लिए. और भी उसने बहुत सारा केस जो है वो सॉल्व किया. फ्रॉम दिस डिब्यूट ही वेंट ऑन टू बी प्रेजेंट एट द जापानीज इन्वेंशन ऑफ चाइना इन द 1930s टू गेट एम्ब्रॉयल्ड इन एन ऑयल क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट. फिर वो 1930 में जो कहाँ चाइना गए, चाइना उस समय क्या ऑयल क्राइसिस से जूझ रहा था. बिफोर ट्रेकिंग टू द कैपिटल ऑफ क्राइम शिकागो ही वॉज इन बेल्जियन कॉन्गो इन Africa. He even went on a voyage to the moon 15 years before Neil Armstrong landed on the moon aboard Apollo. वो कहाँ गया? Went on a voyage to the moon 15 years before. 15 साल पहले गया Neil Armstrong के moon पर land करने के पहले वो गया. It is a familiar sight in these comic strips to see Tintin grabbing his coat to chase another adventure with his trusted Snowy in tow. From villainous drug smugglers at sea to expeditions to the North Pole and searching for sunken treasures in Caribbean, Tintin and his gang have escaped the jaws of death many times. इसने बहुत सारा और केस सॉल्व किया, जैसे कि ड्रग स्मगलर जो थे उनका केस सॉल्व किया जो कि एट सी मतलब नदी में थे. टू एक्सपीडिशन टू नॉर्थ पोल सर्चिंग फॉर संकन ट्रेजर, मतलब वो ट्रेजर के को सर्च करते हुए कहाँ पे जा रहे थे, वो कैरिबियन. टिंटिन और उसकी गैंग ने ये सब बचाया होने से, और वो बहुत बार जो है वो डेथ के रास्ते में जाते जाते वो लोग बुरी तरह से बच गए हैं. और टिंटिन जो है ये सब से कभी डरते नहीं थे प्रॉब्लम से, क्योंकि वो बहुत ही ब्रेव थे, फेयरलेस, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. विथ हिज एक्सप्लॉयर द डैशिंग रिपोर्टर कंक्योर्ड द हर्ट्स ऑफ रीडर्स ऑफ कॉमिक्स जनरेटेड अ लीजियन ऑफ टिंटिन फैंस. यही सब जो आदत था जो कि उनके फैन बेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया. द लास्ट एडवेंचर वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड ऑन हर्स डेथ इन 1983. जब हर्स जो है वो 1983 में डेथ कर गए, तो उनका जो लास्ट एडवेंचर था वो अनफिनिश्ड रहा, मतलब वो फिनिश नहीं हुआ. हैजंट चेज्ड एनी न्यू एडवेंचर आफ्टर द डिमाइस ऑफ हिज क्रिएटर. उसके बाद न्यू एडवेंचर आया ही नहीं कुछ, क्योंकि उनके जो क्रिएटर थे हर्ज वो उनकी डेथ हो चुकी थी. बट टिंटिन लिव्स ऑन इन इंडलेस स्ट्रीम ऑफ टिंटिन टी शर्ट्स वॉच एंड मग. पर उसके बाद क्या हुआ, टिंटिन जो है इतना पॉपुलर हो गया कि उसके नाम की टी शर्ट बनने लगी, घड़ी बनने लगी, मग में उसकी फोटो आने लगी. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज डेट ऑल दो टिंटिन लास्ट कम्प्लीटेड एडवेंचर अपीयर्ड इन 1976. उसका अनफिनिश्ड ही जो एडवेंचर था वो 1976 में आया सामने. ही इज़ मोर अलाइव टूडे देन एवर बिफोर. और वो अभी मतलब इतना जिंदा है जितना हर्ज जब थे क्रिएटर, वो जब थे उस समय भी वो इतना पॉपुलर नहीं था जितना अभी लोगों के दिल में है वो. अ सिल्वर 10 यूरो कॉइन डिपिक्टिंग टिंटिन एंड स्नोई वॉज मिंटेड स्पेशली फॉर द 75th एनिवर्सरी इन 2004. 75th एनिवर्सरी कहाँ कब मनाया गया, 2004 में. इन ऑनर ऑफ दिस इंडियरिंग कॉमिक कैरेक्टर द अमेरिकन डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग मेड द एनिमेटेड फिल्म द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन इन 2011 विच बिकेम अ हिट अक्रॉस द वर्ल्ड. अमेरिकन डायरेक्टर जो थे स्टीवन स्पीलबर्ग, उन्होंने एनिमेटेड फिल्म बनाया, नाम क्या था, तो द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन 2011 में, जो कि पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में जो वो था वो फेमस हुआ.